ना देते हैं कि अमुक दिन से सत्संग शुरू होगा और आप सभी चले आते हैं इस भाव से कि हम संतों के पास चले कुछ ज्ञान की बातें जीवन की बातें सुने और अपने जीवन में बदलाव लाएं जीवन को हम सुंदर बनाएं सुखमय बनाएं आनंद का अनुभव करें यह प्यास का होना बड़ी बात है बड़ी बात है लोग भागे चले जा रहे हैं दौड़े चले जा रहे हैं और कभी ठहर के पूछते भी नहीं हैं ये जो मैं दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ क्या पाया इस दौड़ते दौड़ते जीवन में क्या पाया मन का ठहराव या मन का भटकाओ और आप सबके मन में जगा इन माता बहनों में ये भाव घर का काम काज को फटाफट निपटाती होंगी चलो जलना है सत्संग में और अभी घर में होती तो बहुत सारा काम अभी इनका पेंडिंग होगा जाएंगी फिर निपटाएंगी <coughs> आप सबके प्रति दिल से धन्यवाद है कि आप सभी संतों के प्रति इतना समर्पण इतना अनुराग और सत्संग में इतनी रुचि निश्चित रूप से एक जीवन अपने अपने जीवन के बारे में जो अच्छे संकेत हैं मेरा निवेदन है कि इसको बनाए रखें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें आइए एक बात कहूँ मैं आज बहुत पुरानी बात द्रौपदी को एक बार पता चला शादी के पहले की ही बात थी उनकी कि एक बाग में एक संत आए हैं ऋषि आए हैं लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके भी मन में हुआ कि मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं और अपनी कुछ सहेलियों के साथ में वो महात्मा के दर्शन के लिए चली और वो संत कोई दूसरा नहीं था वेद व्यास ही थे और जब पहुंच करके अभिवादन अनुनय प्रणाम वंदन करके जब वो बैठती हैं तो द्रौपदी ने पूछा संत भगवान आप मेरे बारे में बताइए मेरा भविष्य कैसा होगा संत भगवान ने क्या कहा ऋषि ने क्या कहा वेद व्यास ने हाँ जरूर बताऊंगा जरूर बताऊंगा कहे तुम्हारे ही कारण करोड़ों लोग मारे जाएंगे और खून की नदियां बहेगी तुम्हारे ही कारण लाखों लोग मारे जाएंगे और खून की नदियां बहेगी और ये सुनकर के द्रौपदी घबरा गई उसने कहा भगवान मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण लोग मारे जाएं और खून की नदियां बहें आखिर कोई तो उपाय होगा वेद व्यास ने नहीं कहा कि उपाय नहीं है हो के रहेगा उन्होंने क्या कहा हाँ उपाय है ये तीन बात कर लो तो तुम्हारे कारण लोग मरेंगे नहीं और खून की नदियां नहीं बहेंगी तीन बातें उसने कही वो तीन बातें हम लोगों के लिए बड़े काम की है उन्होंने कहा पहली बात है कि किसी का अपमान मत करना किसी का अपमान मत करना और दूसरी बात है जब कोई दूसरा अपमान कर दे तुम्हारा कोई दूसरा अपमान कर दे तो बदला मत लेना <coughs> बदला मत लेना नहीं दूसरा कोई अपमान कर दे क्षमा करें तो क्रोध मत करना फिर से रिपीट करता हूं पहली बात उन्होंने क्या कहा कि किसी का अपमान मत करना दूसरा कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो क्रोध मत करना और कहीं किसी ने अपमान किया और क्रोध कर ही बैठे तो तीसरी बात है बदला मत लेना ये तीन बातें कर सको तो तुम्हारे कारण लोग मरेंगे नहीं और खून की नदी नहीं बहेगी ये जो तीन बातें हैं ना और हम सभी जानते हैं इतिहास गवाह है आगे क्या हुआ वो सारी घटनाएं घटी घटी ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि हम इन बातों को जीवन में ले आए तीन बातें किसी का अपमान ना करें कोई अपमान करे तो क्रोध न करे और क्रोध आ भी जाए तो बदला न ले ये तो एक शिक्षा है ही है लेकिन एक और बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात द्रौपदी को तो पता था ना कि यदि मैं किसी का अपमान किया तो फिर क्या होने वाला है और जिसने भी अपमान किया तो मैं कहीं क्रोध किया तो क्या होने वाला है और बदला लिया तो क्या होने वाला है और ये सब करती हैं वो अपमान भी करती हैं क्रोध भी करती हैं बदला भी करती हैं मैं ये कहना चाहता हूं आदमी को जब ये पता होता है कि गलत है फिर भी क्यों करता है आज इसी पर चर्चा होगी कि हम सभी को पता है कि ये गलत है और फिर भी वो गलती हमसे क्यों होती चली जाती है हम क्यों उस गलती को सुधार नहीं कर पाते हैं उसका एक ही कारण है अभ्यास की कमी अभ्यास की कमी इसलिए करना क्या है करना क्या है सबसे पहली बात तो मैं यह बताऊं कि आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा आप व्यवसाय के लिए समय निकालते हैं परिवार के लिए समय निकालते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए समय निकालते हैं और इसके लिए मैं इस इस बात को मैं इस ढंग से भी कहा करता हूं और पहले भी कहा कि आप सभी जीवन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं जैसे मकान बनाने की योजना व्यवसाय बढ़ाने की योजना और बाल बच्चों की शादी करने की योजना बनाते हैं कहीं पर टूर में जाने की योजना बनाते हैं एक योजना और बनाइए क्या सुख शांति से जीवन जीने की योजना कभी <coughs> बैठ जाइए मैं सुख शांति से जीवन कैसे जीऊँ उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे किनसे जुड़ना है किनसे अलग होना है मेरे खान पान में क्या बदलाव करना है मेरे कार्य व्यवहार में क्या बदलाव करना है शब्दों में क्या बदलाव करना है कौन सी एक्टिविटीज में मैं चेंज कर दूं जिससे मैं सुख शांति से जी सकूं, सुख और शांति का अनुभव कर सकूं, आपस में प्रेम का अनुभव कर सकूं? ये जब आप निर्णय लेते ना एक ही निर्णय की देरी रहती है जीवन में बस एक निर्णय की और वही भर नहीं ले पाते जीवन में आप ले लीजिए इस निर्णय को मुझे ये करना है और जब लेते हैं ना तो आपके एक चीज़ बताता हूं मैं जब आप कोई नीच अंदर से संकल्प लेते हैं कोई निर्णय लेते हैं तो अंदर से फिर घटना शुरू हो जाता है कुछ एक्शन शुरू हो जाता है कि हर चीज शुरू होती है आपके विचारों से और संकल्प से और संकल्प के अभाव में ही हमारा जीवन थमा रह जाता है बदलता नहीं है और हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब आप सीढ़ी पर <coughs> 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 रहने दीजिए, उसका प्रभाव है थोड़ा सा सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या करते हैं वहां पर पैर है उस सीढ़ी को छोड़ देते हैं तब ऊपर जाते हैं छोड़ देते हैं तब ऊपर जाते हैं तो आप पीछे को छोड़ते जाइए आगे बढ़िए मतलब जो अभी हमारी कुछ आदतें हैं को ढंग है उसको छोड़ दें और एक अच्छी चीज को ऊंचा उठने तो फिर अच्छी चीज को अपनाते चले जाएं अच्छी चीज को वो फिर बदलता चला जाएगा जीवन तो जब संकल्प लेते हैं तो क्या होता है वहीं से शुरुआत मैंने कहा वो शुरुआत होती है जैसे आप आपको लगा कि मुझे सत्संग में जाना है ये तय कर लिए बिल्कुल जैसे ही सत्संग में जाना है तो फिर अब क्या होने लग गया? अंदर कुछ होने लग गया क्या होने लग गया मुझे सत्संग में जाना है मुझे सत्संग में जाना है तो कौन सा काम पहले जल्दी जल्दी कर दूँ अच्छा किस काम को बचा करके रखूँ बाद में कर लेंगे किसको किसको किसी काम को सौंप दूं ये सब सिस्टम अंदर से आने लग गया कहा वो भाई बता रहे थे कल लखनऊ गए थे साहब और लखनऊ से हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम इतना समय लौटें इस समय हम जाते थे और लौटते थे रात में लेकिन क्या सोच लिए थे नहीं मुझे सत्संग में जाना है सत्संग में जाना है अच्छा वो तो एक उदाहरण दिया वैसे सबका अपना मन होगा तो क्या होगा भीतर भीतर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई जो मैंने निर्णय लिया है उसे सच कैसे करें यदि कोई ऐसा आदमी है कि जो कहे कि अब बहुत हो गए सदाचार और नैतिकता का जीवन कुछ फायदा होता है देख रहे हो लोग बढ़ते बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ जैसे वैसे जी रहा हूँ अब नहीं चलेगा और उसने क्या निर्णय ले लिया अब मुझे चोरी और बेईमानी करनी है मैं एक चीज बताऊं संकल्प लेने के पहले जो आप थे संकल्प लेने के बाद आप अलग इंसान बन जाते हैं संकल्प लेने के बाद में आप अलग इंसान बन जाते हैं वहीं से शुरू हो जाती है और ये बात मैंने पहले भी कही है मैंने एक पुस्तक पढ़ी आपकी जिंदगी सिर्फ एक मिनट में बदल सकती है बिली जाली लेखक हैं अमेरिकन लेखक हैं आपकी जिंदगी सिर्फ एक मिनट में वो एक मिनट का मतलब है जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं करते हैं बस अब ये नहीं जैसे आप लखनऊ की ओर जा रहे थे जा रहे थे अचानक बस मुझे नहीं जाना है मुझे गोंडा जाना है कितना समय लगा आप जैसे बदल गए ना दिशा ही बदल गई और जैसे दिशा बदली की दशा ही बदल गई बहुत दिनों से आदमी सदाचारों नैतिकता का जीवन जीता रहा और मैंने कहा ना अभी सोचा छोड़ो इन बातों को कोई फायदा है बस अब मुझे ऐसा करना है तो पहले क्या था निर्णय लेने के पहले और जैसे निर्णय लिया एक अलग आदमी हो गया लेकिन एक दूसरा आदमी यही कुल गलत काम करते जीवन बीता लेकिन एक दिन मन में आया बस क्या पाया मैं शराब पी करके बदमाशी करके बेईमानी करके क्या पाया केवल अशांति अशांति चोरी करके मैंने क्या पाया बस मैं आज से इसको पूरी तरह बंद करता हूं तो निर्णय लेने के पहले जो आदमी था जैसे निर्णय लिया आदमी अलग हो गया अलग हो गया वहीं से वो टर्निंग पॉइंट है वही करना चाहिए चेंज वहीं से लेकिन हम तो निर्णय लेते ही नहीं है वो ख्याल आ गया बताऊं एक चोर तो चोर का एक लड़का था चोर तो था भले लेकिन अपने लड़के को पढ़ाया क्योंकि वो भी चाहता कि मेरा बेटा मैं भले चोरी करता हूं लेकिन मेरा बेटा एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आए तो पढ़ाया और पढ़ने में भी अच्छा था लड़का पढ़ लिख लिया और पूरी पढ़ाई हो गई कंपटीशन देने लग गया बहुत प्रयास किया नौकरी नहीं लगी कई बार उसने कंपटीशन दिलाया लेकिन नौकरी नहीं लगी एक दिन बड़ा उदास बैठा था क्या बताऊं मैंने बहुत मेहनत की नौकरी नहीं मिल रही है कहीं एक दिन तो पिता ने देखा चोर ने देखा बेटा उदास है बेटा कहा को चिंता करते हो नहीं लगी नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं मेरे धंधे में आ जाओ मेरे धंधे में आ जाओ चलो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है उसने कहा सही कहते हैं वही करना पड़ेगा मुझे भी तो ठीक है आज चलते हैं रात में तो ठीक है चलो रात में चले और रात में कहे कि चलो और दोनों चल पड़े रात में और एक घर के सामने खड़े हो गए काफ़ी रात हो गई थी कहा देखो बेटा वो जो लाइट जल रही ना मकान में वो उस मकान में मैंने कई बार बहुत माल वहाँ से लिया है चुराया है आज वहीं हम लोगों को जाना है तो ठीक है अब वो चलने लगा कहे चलो लड़का खड़ा हुआ सोच रहा है सोच रहा है फिर कहा अरे चलो ना क्या खड़े सोच रहे हो कि पिताजी यही सोच रहा हूँ जिसके घर से आपने कई बार चुराया उसके घर की बत्ती अभी भी जल रही है और जिस हमारे घर में हमने चोरी करके धन लाया और हमारे घर में अभी भी उजाला नहीं है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं वह काम नहीं करूँगा कि मैं अंधियारे वाला जीवन जीऊँ मैं भी रोशनी वाला जीवन जीना चाहता हूं मुझे चोरी करनी ही नहीं है बदलाए नहीं आदमी आदमी ही बदलता है आप इतनी गलती किए ही नहीं हैं कि आप जीवन में बदलाव न ला सकें एक बात बताऊं आपको आपसे चाहे जितनी गलती हो गई हो और जितनी बड़ी गलती हो गई हो आप बदल सकते हैं और कभी भी बदलने के लिए आप निर्णय ले सकते हैं देरी कभी भी नहीं होती है कभी भी नहीं होती है अभी क्या देरी है बताइए आप ले लीजिए बस हो गया और जब लेने लगते हैं ना तो क्या होता है जानते हैं आप फिर वो पुरानी चीज़ें भूलने लग जाती है एक आदमी था एक संत के पास गए कहा कि चालीस साल हो गए मैंने कुछ किया नहीं ना अर्थोपार्जन किया ना किसी प्रकार साधना का काम किया कुछ नहीं किया मेरा चालीस साल व्यर्थ गया और मैं डरता हूं कि अब कैसे शुरुआत करूं कैसे शुरुआत करूं संत ने कहा कहा कि देखो एक कापी कापी होती नहीं कापी के पन्ने देखे एक कापी है आप उस कापी में जब लिखना शुरू करते हैं तो क्या हुआ है शुरू में आपने उसमें लाइन लाइन डांट डांट गोल गोल ऐसे कुछ भी लिखते रहे हैं मतलब बिलावजा मतलब वो कापी के पन्नों को आप केवल भरते रहे कुछ भी गोदते रह गए कोई उसमें अच्छे विचार नहीं कोई कविता नहीं लेकिन होता क्या है अगला पन्ना हमेशा फ्रेश मिलता है चालीस पन्ने आपने यू ही भर दिया मान लो लेकिन अगला पन्ना तो फ्रेश है और अगले पन्ना जो फ्रेश मिला है उसमें आप एक सुंदर कविता लिख सकते हैं एक सुंदर कहानी लिख सकते हैं सुंदर विचार लिख सकते हैं और यदि जितने वो चालीस पन्ने जो कह रहे हो ना उसको आप सेलो टेप लगा दो या बंद कर दो तो जब भी खोलेंगे तो कौन सा पन्ना मिलेगा फ्रेश पन्ना फ्रेश मिलेगा आप उसको पलटना शुरू कर दीजिए कापी का मतलब है जीवन के पूरे दिन और हर पन्ना हमारा हर दिन है हर पन्ना हमारे जीवन का हर दिन है आज तक हमसे गलती हुई मैं आपको नि, आपसे निवेदन करता हूँ कल सुबह का सूर्य निकलेगा और एक नया दिन मिलेगा फ्रेश दिन आप निर्णय करें उस दिन को कैसे जिएंगे, कैसे जीना चाहते हैं कैसे बोलना चाहते हैं लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहते हैं बदल जाएगा और आप जानते क्या होगा मान लो आपने इतने दिन तक कुछ नहीं किया चालीस साल कुछ नहीं किए एक दिन आपने किया तो चालीस साल खराब एक दिन सार्थक दूसरा दिन भी किए चालीस साल खराब दो दिन सार्थक फिर ऐसे करते करते आप रोज कंसिस्टेंस से आपने काम करना शुरू कर दिया सप्ताह भर किए चालीस साल खराब लेकिन सात दिन सार्थक और ऐसा करते करते पंद्रह दिन महीना दिन ख्याल करते जाइए आप इस चीज़ को कर रहे हैं अच्छा कर ही रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं चालीस साल खराब एक साल सार्थक सही पाँच साल सार्थक हो गए ऐसा आप कर रहे हैं और कहीं पाँच सात साल बीत गए दस साल बीत गए तो चालीस साल खराब है कोई यादें नहीं करेगा उसको कोई याद नहीं करेगा सार्थक काम किया इसने और इसके लिए मैं कहानी पहले भी कहा है ये कहानी इटली की है इटली की एक नीति कथा मैंने एक पुस्तक पढ़ी है द शीप थीप अलवाकर की लिखी द शीप थीप भेड़ चोर कहानी क्या है तीन युवक भेड़ चुराते हुए पकड़े गए और जब तीनों को पंचायत में लाए बैठक हुई तो वो तो रंगे हाथ पकड़ो ही गए थे तो इसलिए उस पर तो कोई बहस करनी नहीं थी अब इनको सजा क्या दें तो सजा में क्या दिया गया ऐसी सजा शायद आज तक हम सुने भी नहीं थे सजा दिया गया ऐसी सजा दें कि अब ये कभी फिर से चोरी करने की हिम्मत ही ना करे और इन्हें देख करके दूसरा आदमी भी चोरी करने की हिम्मत ना करे क्या किया उसने उनके माथे पर यहां पर क्या लिख दिया गया इसमें लिख गया शीप थीप किससे लिखा गया परमानेंट और टेटू कह लो आजकल समझ रहे हैं ना <laughs> ऐसा वो अक्षर लिख दिया गया तो क्या लिखा शीप थीप और फार्म क्या लिखा एस टी एस टी ताकि उसको देख के ही जान जाएंगे भेड़ चोर दूसरा भी सारी ऐसा करने पर तो फिर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा ना कोई भी देखेगा अब कहीं छुपा हो बात नहीं सीधे माथे पर लिखा एस टी भेड़ चोर चीप थिप एक युवक ने सोचा दो ही था दो एक युवक ने सोचा कि यहां रहना ठीक नहीं है जो देखेगा मुझे भेड़ चोर कहेगा मैं दूर चला जाता हूं वहां मैं जीवन गुजर करूंगा और वो गांव छोड़कर के चला गया और गांव छोड़कर जब चला गया दूसरी जगह रहने लगा और दूसरी जगह रहते रहते वहाँ के लोगों के थोड़े दिन में पता चल जाता हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है फिर गांव छोड़कर दूसरी जगह फिर पता चल गया हमारे गांव में एक भेड़ चोर घुस आया है तीसरी जगह चौथी जगह छोड़ता चला गया बूढ़ा हो गया बीमार हो गया मर गया लेकिन दूसरा युवक ने सोचा मैं भी गाँव छोड़ दूँ लेकिन उसके मन में नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा और उसने कहा मैं यहीं रह करके अपने को बदलूँगा जिसके घर से भेड़ चुराया उसी के घर नौकरी कर ली और पैसा कमाता गया बचाता गया भेड़ का पैसा अदा कर दिया और कमाता गया बचाता गया और एक छोटी सी ज़मीन ले ली और फिर धीरे थोड़े दिन के बाद मैं खुद भेड़ रखने लग गया और ऐसा करते करते उसने नौकरी छोड़ दी भेड़ों की संख्या बढ़ने लग गई खुद कर्मचारी रखने लग गए और भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई अब क्या हुआ उसके जो बाल होते थे ऊन उसको काटते थे बेचते थे और जो पैसा आता था वो गांव के विकास में लगाता था सड़क अच्छी बनवाना कोई धर्मशाला में सहयोग करना मंदिर को ठीक ठाक करा देना कहीं पियाओ बना देना कहीं कुछ कर देना ये बस किसी गरीब को कुछ कर देना सहयोग कर देना ये उसका धंधा हो गया काम ही हो गया और भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई इतनी बढ़ने लगी कि जब भेड़ पहाड़ी पर जब चरने जाते तो ऐसा लगता जैसे कोई बर्फ का कोई पर्वत हो एकदम सफेद सफेद अंत में उसने भेड़ों के बालों को बेचना बंद कर दिया और एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया वहीं उनके कप बनने लग गए उनके बालों के कपड़े बनने लग गए और आमदनी होने लग गई वो गांव का नक्शा ही बदल दिया न जाने कितने लोगों का सहयोग कर दिया वो उसने गरीबों का वो भी बूढ़ा हो गया एक दिन फुटपाथ पर चल रहा था उधर से एक अजनबी आया उसके माथे पर देखा एसटी और जब क्राश हो गया आगे बढ़ा तो उसने पूछा ए भैया सुनो एक आदमी था झाड़ू लगा रहा था अपनी दुकान के सामने वो ही बुजुर्ग था झाड़ू लगा रहा था कि भैया ये सुनो वो आदमी जो जा रहा है ना उसके माथे पर एस टी क्या लिखा है उसने कहा खड़ा हुआ देखा वो कौन है एस टी अच्छा हाँ उनका क्लास फेलो था जो झाड़ू दुकानदार जो झाड़ू लगा रहा था क्लास फेलो था साथ पढ़े थे उनके मुँह से निकलने ही वाला था एस टी का मतलब है शिव थी भेड़ चोर लेकिन तुरंत उसके ख्याल में आया इस आदमी ने किया क्या गांव का कितना विकास किया सड़कें बनवाई धर्मशाला किया ये किया वो किया कितने गरीबों का सहयोग कर दिया कुछ सेकंड तक के वो ऐसा आंखें बंद करके सोचते रहा उसने उनकी जो भी उन्हें अच्छे काम किए थे सब याद आ गई और फिर उसने कहा अच्छा वो के बारे में पूछते हां वो एस्टिक मतलब क्या है क्यों लिखा है उसके माथे पर एस का अर्थ होता है संत क्या कहा संत नहीं कहा भेड़ चोर एक भेड़ चोर भी अपने जीवन में बदलाव कर सकता है हम क्यों नपुंसक बने हुए हैं हम क्यों नहीं बदल सकते हैं सारी गलतियां छोड़ करके हम एक नए इंसान के रूप में अपने आप को विकसित कर सकते हैं मैं ये कह रहा था कि हम सब में बदलने की संभावना है रोज दिन मिलता है रोज मैंने कहा ना सुबह सूर्य निकला एक नया दिन फ्रेश और रोज की बात भूल जाइए हर समय हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को प्रातः शाम वो दोपहर सदगुण ही भरण को हर क्षण तो समय है आप सोचते हैं कि नहीं जब शुभ मुहूर्त तो क्यों निकालेंगे आपको आपको बदलना क्या है और मैंने कहा था कल भी कहा था आपको बदलने के लिए घर थोड़ी बदलना है कपड़े थोड़ी बदलना है बोलने का ढंग बदल देना है सोचने का ढंग बदल देना है और देखो करने का ढंग बदल देना है और जैसे बदले बस जीवन ही बदलने लग गया तो फिर कितना अच्छा परिणाम आ जाएगा जीवन में कितना सुखमय जीवन जीने लग जाएंगे आप क्यों दुखी वाला जीवन जीते हैं देखो दुख का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है विभिन्न परिस्थितियां आती है जीवन में और दुखी हो भी सकते हैं जैसे ठंडी अभी ठंडी बीती तो ठंडी के मौसम में ठंड का लगना कोई आश्चर्य है क्या नहीं लेकिन आश्चर्य कब है आप जहाँ हैं उसके बाजू में कम्बल ब्लांकेट और गर्म कपड़े रखे हैं और आप ठिठुर रहे हैं मैं ठंडी लग मुझे ठंडी लग रही मैं ठंडी में सिकुड़ रहा हूँ अरे भले मानूस ओढ़ क्यों नहीं लेते हो है ना ओढ़ क्यों नहीं लेते हो साहब ने कहा ना जाड़न मरे सफेदी सोरी खसम ने चीने घरणी में बोड़ी उड़ लेते ऐसे ही है मैं दुखी हूं मैं समस्या आखिर उसके दुख से दूर जाने का रास्ता भी तो है दुख से पार होने का रास्ता भी तो है आपके पास में उसका उपयोग कहीं नहीं कर लेते हैं बस आप बदल दीजिए उस चीज को आपको लगेगा कहना तो बहुत सरल है <laughs> यही लोग कहते हैं महाराज आप गृहस्थ होते तो पता चलता <laughs> क्या बताऊं मैं सच क्या है बताऊं आप मनुष्य हैं ना आपको लगता है ना कि विरक्त तो लोग बड़े इस झंझट से मुक्त है तो मेरा निवेदन है दस पंद्रह दिन आप ट्राई करके देख लीजिए <laughs> पता चल जाएगा आपको समस्या कहाँ नहीं है समस्या रहित कोई जीवन होता है बताइए भगवान राम के जीवन में समस्या ठीक नहीं थी कृष्ण के जीवन में बुद्ध के जीवन में महावीर के जीवन में आप नाम ले लीजिए ईसा और मोहम्मद के जीवन में देख लीजिए गांधी के जीवन कबीर के जीवन किसके जीवन को आप बताइए आप बताइए अच्छा आप अभी जो हमारे देश में जो पीएम और सीएम है उनको पूछ लो कुछ समस्या है महाराज आपके जीवन में कह भैया कांटों का ताज है ये <laughs> सही एक नहीं है आपका तो एक छोटा सा मकान है घर है उसकी समस्या सुलझे और उसको पूरे देश में हर विभाग की उनकी चिंता लगी हुई है और कहीं से वो ठोकर मारा वो सोका मारा और दूसरे विरोधी पार्टी नहीं खुद की पार्टी लोग उनको धक्का देने में लगे हुए हैं समस्या से कम है एक ही जगह आपकी समस्या नहीं होगी एक जगह जहां पर सारी समस्याओं का समाधान है वहां समस्या है ही नहीं है कितने लोग जाना चाहेंगे कितने लोग जाना चाहेंगे हाथ उठाओ ज़रा से बस और वो है शमशान घाट <laughs> बस वो है शमशान घाट <laughs> वहाँ के लोग निश्चिंत होकर के सो रहे हैं शमशान घाट में आ, कुछ लोग गए और बात कर रहे थे दो जने जा कर के बात कर रहे थे और कहते हैं देखो मुर्दों को देखकर कह रहे हैं कब्रक को देखकर के कितना निश्चिंत होकर के सो रहे हैं कितना निश्चिंत हो करके के ये लोग विश्राम कर रहे हैं उसी में एक मुर्दा खड़ा हो गया वो कहा था क्यों नहीं विश्राम करेंगे निश्चिंत होकर के जान देकर के जगह हमने पाई है <laughs> कितने लोग लेने वाले हैं बताइए समस्या का होना कोई गलत है आप बताइए मुझे समस्या का मतलब है जिसे जीवन है ना जीवन है लहरों का नाम तरंग होते हैं लहर और तरंगों का होना लहरों का होना कोई गलत नहीं है यदि आप अस्पताल में गए और ईसीजी टेस्ट कराए और कहीं सीधी सरल रेखा गई तब क्या हो गया राम नाम सत्य है सही एक नहीं है। तरंगे बनती है जिंदा होने का प्रमाण है लहर बने ऊंच नीच की स्थिति आए आप में क्षमता है लेकिन उस ऊंच नीच की परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हैं होगी समस्या कोई बात नहीं है मैं क्यों दुखी रहूं ठीक है उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा मैं प्रयास करूंगा समस्या से पार जाने के लिए लेकिन इस बात को लेकर के मैं उदास और खिन्न रहूं क्यों नहीं मुझे ठीक रहना है बात यहां पर मैं दूसरी विषय ही उठाया था लेकिन बातें दूसरी कुछ हो गई मैं कह रहा था अभ्यास फिर से वापस मूल विषय पर आते हैं अभ्यास हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम जानते हैं कि ये बुराई मेरे में है और इसको मैं छोड़ना भी चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कैसे इसे छोड़ू कैसे इससे पार जाऊं और वो कैसे होगा मैं बताता हूं इसके बारे में कि जो आप चाहते हैं उसका आप अभ्यास करिए जो आप चाहते हैं क्या चाहते हैं आप बता लीजिए उसका आप अभ्यास करिए उस पर काम करिए और मैंने कहा ना इसीलिए कहा था अकेले में अपने लिए समय निकालिए अकेला अकेला हो जाइए समय निकालिए और उस समय क्या करना है गुरुदेव जी कहा करते थे जो समय निकालते हैं ना थोड़ा सम जितना समय निकाल सके निकालो एक घंटा आधा घंटा गुरुदेव जी का सूत्र तो आप लोग सुने होंगे चालीस साल वाले एक घंटा पचास साल वाले दो घंटा नहीं तीस साल वाले का एक घंटा कहते थे और 40 वाले को दो घंटा 50 वाले को तीन घंटा और 60 वाले को चार घंटे उस क्योंकि रिटायरमेंट हो गए ना अब तो 60 के बाद में चार घंटे अधिक से अधिक समय निकाल सको अपने लिए जिसमें आप स्वाध्याय और साधना कर सको तो कुछ देर बैठ करके आप स्वाध्याय करो ध्यान करो और उसके बाद में चिंतन चिंतन ये क्या है वही है जिसको मैंने तराशना कहा है जिसको मैं कहता हूं कि हथौड़ी लेकर चीनी हथोड़ी लेकर ले के अपने जीवन को निर्मित करना जीवन को बिल्ड करना बनाना जैसे आप मकान को बनाते ना ईंट ईंट जोड़ करके ईंट ईंट जोड़ते चले जाते हैं चुनते चले जाते हैं और बस बहुत बड़ा भवन हमें भी जीवन को निर्मित करना है बनाना है कैसे बनाना है बस यही एक बात समझ लेनी जैसी है मैंने कहा उसके लिए आप अकेले बैठे और जिसको कहते हैं ना श्रवण मनन निध्यासन चिंतन जिसको मैंने कहा चिंतन 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 का मतलब चिंतन का मतलब एक होता है मनोविलास और दूसरा होता है चिंतन मनोविलास का मतलब है जब आप अकेले में होते हैं तो मन में विचार चलते हैं तो विचार कैसे चलते हैं ये राग रंग संसार का ऐश्वर्य भोग पदार्थों को देख करके मन आकर्षित और ललचा रहा है ये मिल जाए वो हो जाए वो हो जाए ऐसा है वैसा है मतलब भोगों के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं और उसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं विषय चिंतन चल रहा है ये मनोविलास है और चिंतन है वास्तविकता के बारे में सोचना जो सच है उसके बारे में सोचना सच क्या है सच क्या है आपका शरीर शरीर क्या हो रहा है बदल रहा है आज से दस साल पहले वाला शरीर आज नहीं है बीस साल पहले वाला शरीर नहीं है और ये धीरे 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 बदल रहा है बदल रहा है तो शरीर निरंतर बदल रहा है और बदलते बदलते एक दिन क्या होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ये आपके शरीर की बात दूसरों की शरीर की बात संबंधों की बात वस्तुओं की बात सब कुछ पुराना होता चला जा रहा है एक दिन सब कुछ को छोड़कर जाना है लब्ध्वा ध्वापिचा बहुल लाभान, चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या साम मुश्तो य गुरुदेव जी ये सूत्र कहा करते थे बहुत लाभ कमाया लब्ध्वा ध्वा पिचा बहुन लाभान् बहुत लाभ कमाया और चिरम न्यपी चीर काल तक जिए और सुख भोगे अंत में हुआ क्या जब चलने लगे तो रिक्त हस्तस्य नग्नस्य खाली हाथ नंगे बदन रिक्त हस्तस्य नग्नस्य या श्याम वो उसी प्रकार से जैसे कोई आदमी जा रहा हो रास्ते में सब कुछ छीन ले यहाँ तक कपड़े भी उतरवा दे और उनको कुछ पिटाई करके खदेड़ दे सब कुछ चुरा लिया गया हो या श्याम मुसितो मुसित चोरी कर लेना चुरा लेना ऐसे ही जब काल आता है सब कुछ को छीन लेता है और खत्म खत्म हो जाता है ये क्या है ये सत्य है तो क्या करना है इसके पहले मेरा जीवन मिला है इस जीवन को मुझे सार्थक बनाना है भीतर में गहरी शांति का अनुभव करना है जब मुझे जाना ही है तो क्यों छल कपट करूँ क्यों बेमानी बदमाशी करूँ क्यों धोखा दूं लोगों को <coughs> मैं यदि ईमानदारी से काम करूँ तो भी जीवन जीना है बेईमानी से करूँ तो भी जीवन जीना है लेकिन क्या मतलब निकलता है इसका क्यों ऐसा करूँ गलत काम ठीक है क्वालिटी का अंतर पड़ जाएगा हो सकता है कि क्वालिटी मेरा मकान बहुत क्वालिटी वा बहुत बढ़िया वाला नहीं बनेगा कपड़े मेरे क्वालिटी वाले जिसको लोग कहते हैं वो नहीं है भोजन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन फिर भी जीवन गुजर होगा लेकिन मन इतना बढ़िया रहेगा शांत आपस का प्रेम इतना बढ़िया परिवार में रहेगा वो महत्वपूर्ण तो है साहब कहा करते आप सोने की चैन चाहते हैं या चैन से सोना चाहते हैं फिर से कहूँ सोने की चैन चाहते हैं या चैन से सोना चाहते हैं चैन से सोना चाहते हैं सोने की चैन नहीं चाहते नहीं चाहते यह तो बड़ा आश्चर्य है महिलाएं भी कर रही हम नहीं चाहते हैं सोने की चैन <laughs> सोने की चैन नहीं चैन से सोना आप जाएं बिस्तर पर और सुख से सो मस्त और यह कहते हुए आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता हे भगवान मैं बहुत खुश हूं और सुख से सोने जा रहा हूं कैसा दिन रहेगा वो ये होना चाहिए और ये रोज की परिस्थिति बने तो आप कह सकते हैं कि बढ़िया है बात यहां पर फिर से मैं कहूं कि आप जो चाहते हैं उसका अभ्यास अकेले में होइए और चिंतन करिए क्या चिंतन करना है मान लो जिसके बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं क्या बताओ मुझे क्रोध बहुत आता है होता है ना क्रोध बहुत आता है तो क्या करना है आपको पता है ना कि किस परिस्थिति में क्रोध आता है आपको पता है इसके पहले कई बार कर चुके हैं क्रोध जब आता है तो परिस्थिति किस में आती है किस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में आती है जब कोई गलत कर रहा हो अब आपके मन के प्रतिकूल कोई घटनाएं घटे आपकी बातों को कोई ना माने न सुने तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है आपका मन है क्रोध आता तो है लेकिन एक प्रश्न आता है अच्छा क्रोध से क्रोध क्यों करते हो अच्छा क्रोध आ रहा है तो आने दो ना क्या दिक्कत है आपको आने दो क्रोध क्यों क्रोध नहीं करना चाहते हैं तो कहा गया कि क्रोध मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि क्रोध की दशा में जब होता हूं तो जो मेरे अंदर में उद्वेग आता है उस उद्वेग को मैं पसंद नहीं करता उस उद्वेग को पसंद नहीं करता और जब क्रोध आता है तब तो पता ही नहीं चलता कब क्रोध आ गया और क्रोध के समय वह मैं मेरे मुँह से वह शब्द निकल जाते हैं जो सचमुच मैं बोलना नहीं चाहता हूँ और क्रोध के समय मेरे से कुछ ऐसा हो सकता है जो सचमुच मैं नहीं कर सक नहीं करना चाहूँगा और मैं पछताता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पछताऊँ इसलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ इसलिए नहीं चाहता हूँ तो जब ये भाव जगा कि सचमुच मुझे बदलना है मैं बिना क्रोध के भी रह सकता हूँ तो कैसे तो क्या करना होगा उसके लिए आपको जिस परिस्थिति जिस व्यक्ति के मिलने से क्रोध आता है जिन शब्दों को सुनने से क्रोध आता है जिस घटना से के घटने से क्रोध आता है आप अकेले में बैठ करके उसको आप ख्याल करिए अर्थात आपके शब्द में कहूँ तो विजुलाइजेशन, विजुलाइज करिए मानसिक चित्रण बनाइए ये साधना का काम है आप करेंगे तो फायदा होगा ये कथा सुनना बहुत सरल है मैं बता देता हूँ आपको कोई भी कथा सुने चाहे वो राम कथा सुने कृष्ण कथा सुने भागवत कथा सुने कोई भी कथा सुने बहुत सरल है लेकिन जीवन का एनालिसिस करना जैसे मैंने कल कहा था ना एक होता है पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम तो समझ रहे हैं ना जब काम तमाम हो गया तब उसको चीर फाड़ कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं पोस्टमार्टम नहीं प्रीमार्टम प्रीमार्टम का मतलब है कि संभावित संभावित समस्या को लेकर के उसके बारे में ऐसी योजना बनाना कि वो समस्या ना आए ये प्रीमार्टम है मतलब हमें लगता है कि इस परिस्थिति में क्रोध कर बैठता हूं उत्तेजित हो जाता हूं अपा खो देता हूं खो देता हूं या फिर भोजन के लिए कोई सोचना चाहे तो ये चीज आती तो मैं वो कर देता हूं मतलब विचलित हो जाता हूं ऐसा लगता है खा जाऊं खा जाऊं ये ये सब बदलना चाहते हैं ना तो क्या करना है इसे ही मैं बताना चाहता हूं कि आपको अकेले में जब हुए तो उस परिस्थिति को आप क्रिएट करिए अंदर अंदर वहां पर अभी आप होश में हैं अच्छा जब क्रोध करते तब तो आप वेग में होते हैं प्रतिक्रिया उसी कहते हैं प्रतिक्रिया बस जैसे आया खाट से प्रतिक्रिया में आ जाते हैं एक होती है प्रतिक्रिया और दूसरा होता है रिस्पॉन्स रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों में क्या अंतर है प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे देते हैं बस आया और खाट से जवाब दे दिए और रिस्पॉन्स का मतलब है है, सोच सोच समझ करके करके देते हैं, नहीं या नहीं, या देना, देना ये देना है। हम सभी ज्यादातर तो प्रतिक्रिया में आ जाते हैं खाट से रिएक्ट हो जाते हैं तो एक होता है रिएक्टिव मोड पर और दूसरा होता है प्रोएक्टिव ये मैं कई बार बताया इस विषय को कि एक पुस्तक द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल ये स्टीफन आर कवि की लिखी है सात आदतें अति प्रभावकारी लोगों की सात आदतें उसमें पहली आदत उन्होंने बताई है प्रोएक्टिव बने प्रोएक्टिव पहले ही एक्टिव पहले ही आप उस चीज को समझें कि यह आएगा मुझे ऐसा करना है प्रोएक्टिव बड़ी सोच समझ करके तो मैं क्या कह रहा हूं आप जब देखें कि इस सिचुएशन में क्रोध आता है और आप वहां देख रहे हैं वो आदमी आया ऐसा बोला वैसा किया आप देख रहे हैं कि इसी सिचुएशन में आप क्रोध किए हैं अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं शांति से उत्तर दे रहे हैं प्रेम से उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल अंदर अंदर आप अप, अपने आप को क्या कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं उसको भीतर भीतर अभी देखो भीतर ही निर्मित कर रहे हैं अभी जो आप दृश्य में देखना चाहते हैं उसे आपको पहले अदृश्य में लाना होगा अदृश्य अदृश्य आदतों की शक्ति आप समझिए इस चीज को अदृश्य आदतों की शक्ति वो आदत जो दिखाई नहीं दे रही उसकी बहुत शक्ति होती है जैसे जड़ भले नहीं दिखाई देती लेकिन बहुत शक्ति जड़ जड़ में तो शक्ति है जिससे पेड़ दिखाई दे रहा है देखो बिजली की तारें दिख रही हैं बिजली के तार दिख रहे हैं तार तो दिख रहे हैं लेकिन विद्युत शक्ति किसमें है जो दिखाई नहीं देता है तो आदतें शांत 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 एक दिन दो दिन दस दिन बीस दिन चालीस दिन आप उस परिस्थिति को क्रिएट किए शांत अंदर से कर रहे हैं या तो मीठे शब्दों में या फिर अंदर से आप निर्मित कर रहे हैं ना दिख ना रहा लोगों को देखिए मैं यदि बैठ जाऊं ध्यान में लोग देखेंगे मैं जाल माला जपने पर हूँ देखने लग जाएंगे लोग मैं कोई जप करूं कोई पूजा करूं सब देखेंगे लेकिन मैं चुपचाप बैठा और अंदर में अपने आप को मैं बिल्ड कर रहा हूं बना रहा हूं ये दिखाई तो नहीं देगा लेकिन निर्मित हो रहा है भीतर भीतर वो क्यों क्या बन रहा है मैं जो से चाहता हूँ वो मैं बना रहा हूँ भीतर भीतर या आप अच्छा पिता बनना चाहते एक उदाहरण बताऊँ अच्छा पिता ही बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको देखें फिर वही बैठ गए अकेले में बैठ करके आप देख रहे हैं कि बाल बच्चे बहुत सारे बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं मैं उन बच्चों के साथ खेल रहा हूं और बच्चों के शब्द ऐसे निकलते हैं वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कुछ भी नटखट कर रहे हैं और वही जब गलतियां बच्चे करते तो आप उद्योग की चिल्लाने लगते हैं और कई बार तो फिर कुछ और कर देते हैं लेकिन उस परिस्थिति को देख रहे हैं बच्चे ऐसे उसके बावजूद बच्चों के साथ बहुत प्रेम से बोल रहे हैं उनके प्रश्नों का बड़े मीठे शब्दों में उत्तर दे रहे हैं अंदर अंदर दे रहे हैं ना अभी वो सिचुएसन नहीं है पहले से लेकिन आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और करते करते आपको कई दिन बीत गए और सचमुच जब परिस्थिति आएगी तब क्या करेंगे क्योंकि आपने अंदर में अभ्यास किया है एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी जब कंपटीशन होता है उसके पहले वो कितनी तैयारी करता है कितना अभ्यास करता है ख्याल है आपको देखें है कभी पंद्रह सेकंड के प्रदर्शन के लिए वह पंद्रह साल मेहनत करता है तब जाकर के कोई मेडल पाता है कोई रिवार्ड मिल पाता है एक संगीत एक गायक आप पूछो उन लोगों से जो संगीतकार होते हैं कितना अभ्यास करते हैं पूछ पूछ लो उनसे अच्छा रोज कितने घंटे करते हो आप हैरान हो जाओगे चार घंटा आठ घंटा आठ आठ घंटा तक मेहनत करते हैं तब जा कर के वो मंच पर जाकर परफॉर्मेंस दे पाते हैं तब ताली बजती है यूं ही नहीं बज जाती अभ्यास से होता है सब काम ये चाहे वो गायक हो चाहे वो तबला वाद कोई भी वादक हो देख लीजिए आप उन लोगों को चाहे वो कोई भी कलाकार हो चाहे कोई भी खिलाड़ी देख लो खिलाड़ी को चित्रकार को देखो एक ख्याल आ गया है? मैं एक उदाहरण दूँ आप लोगों को एक नाम सुने होंगे पब्लो पिकासो विश्व का चित्रकार बहुत प्रसिद्ध का पब्लो पिकासो बहुत उनका चित्रकार क्या बताऊं मैं पढ़ा उनके विषय में एक बार एक ही चित्र उनके पास था दो ग्राहक आ गए एक साथ बीस से काट दिए और दोनों को बेच दिए और दोनों चित्र बराबर लग रहे थे कमाल के थे ना वो वो चित्रकार जिनके लाखों रुपये में डॉलर में उनकी चित्र बिका करते थे एक बार वो जा रहे थे कहीं पब्लो पिकासो जाते जाते एक जगह बढ़िया सुंदर दृश्य दिखा वो ठारग रुको भाई थोड़ी देर रुकूंगा कलाकार लोगों को तो यही चाहिए ना चाहे वो कवि हो चाहे चित्रकार हो ऐसे दृश्यों में अटक जाते हैं इतने में एक महिला उधर आ गई उस महिला ने कहा आ, आप आप पिकासो हैं हाँ मैं पिकासो हूँ उफ जानते हो आपका मैं कितना बड़ा फैन हूँ <laughs> आप पिकासो हैं उफ बहुत अच्छी बात इतना अच्छा लगा आपसे मिल करके और कुछ देर बातें हुई तो उन्होंने कहा कि पिकासो एक निवेदन है आप मिलना हुआ है अब आपकी ओर से मुझे कुछ तो चाहिए गिफ्ट के रूप में कुछ ऐसे चाहिए जो मैं बता सकूं कि मुझे पिकासो से मिलना हुआ है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे जीवन में उसने कहा कि आपको धन्यवाद जो मेरे लिए इतनी प्रशंसा कर रहे हो लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है मैं क्या करूं नहीं मुझे कुछ तो दीजिए बाद में एक स्टोर था बाजू में गया एक कागज़ और एक स्केच पेन लाया और उसी में कागज में तीस सेकंड के लिए स्केच किया वो कितना किया याद रखना तीस सेकंड के लिए स्केच बनाया और देते हुए कहा इसको ले जाओ इसकी कीमत वन मिलियन डॉलर वन मिलियन डॉलर इतनी कीमत अच्छा उतना ना मानो मान लो आप दस लाख रुपये उन्होंने कहा समझ रहे ना एक लाख भी कहा हो तीस सेकंड में बना करके इसकी कीमत एक लाख रुपया उसने कहा एक लाख रुपया तीस सेकंड में ठीक है बात हो गई अब तो कम से कम उनका चित्र बनाया तो मुझे मिला वो चले गए अब उस महिला के मन में संदेह वो जांचने चली गई जहाँ पर चित्र को इस प्रकार से जो स्केच इस जो चित्रकारी होती थी उसका कीमत लगाई जाती थी गए वहाँ पता करने के लिए ये चित्र देखिए और सचमुच उसकी कीमत जो पिकासो ने कहा था वही कीमत उसने कहा बस वापस ले और, और खोज ने सर्च करी कि पिकासो है कहाँ किसी एक ऑडोटोरियल हॉल में उनका कोई प्रोग्राम था सर्च करके पहुंच गई वो कार्यक्रम में और जब उनका स्पीच पूरी तरह खत्म हो गया अंत में जाकर खड़ी होती कहते हैं कि पिकासो पिकासो मुझे पहचाना उसने कहा हाँ हाँ पहचान गया वहाँ मिली थी ना हाँ कह पिकासो आपने जो सचमुच जो स्केच बना के चित्र बना के दिया ना सचमुच उसकी कीमत वन मिलियन डॉलर है अरे हाँ हाँ मुझे पता है मैं ही तो बना के दिया तभी तो मैं कहा था इतनी कीमत उसकी है कहा हाँ, पिकासो एक निवेदन है मुझे भी सिखा दो ना और न दस लाख मिलेगा तो हजार तो मिलेगा दस हजार रुपया तीस सेकंड में इतना पैसा मिले मुझे भी सिखा दो तो उन्होंने जो बात कही है तीस सेकंड में स्केच बनाने के पहले मैंने तीस साल मेहनत की है आप अपने जीवन को सुंदर बनाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं जरा देखो तो सही और फिर शिकायत हम लोग करते मेरे जीवन में सुख नहीं है शांति नहीं है कब निर्मित किया है हमने अभ्यास और ये पंक्ति सुने हैं करत 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 अभ्यास से जड़ मती होत सुजान आगे तो पता ही है ना रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान अभ्यास एक कहानी कहूं उदाहरण है एक आदमी चित्रकार था सॉरी तीर चलाने वाला तीरंदाज तीरंदाज तीर, तीर चलाता था और शुरू शुरू में तो सामान्य अभ्यास किया लेकिन एक गोल बनाता एक सेट करता चिन्ह बनाता और उस पर तीर चलाता बिल्कुल बीच टारगेट में वो अपना तीर मार देता था और अभ्यास करता गया करता गया फिर छोटे कम लोगों के बीच में अपना प्रदर्शन किया करता रहा लोग ताली बजाते फिर बड़ी जगह जाने लग गए बहुत लोगों की भीड़ होती थी वो बिल्कुल सेट करता गोल और सीधा तीर मारता एक दो तीन सब तीर, तीर एकदम फिट निशाने पर लगता एक बड़ी जगह में बहुत से लोगों के बीच में अपना वो प्रदर्शन कर रहा था तीर चला करके लोगों के सामने वो प्रदर्शित कर रहा था तीर चलाया ताली बजी स्वाभाविक ताली बजती बिल्कुल सेंटर पर गया वो और जैसे ताली बजी और ताली का बजना बंद हुआ पीछे से कब आज आई इसमें कौन बड़ी बात है अभ्यास का मामला है सुनता था ऐसी बात कर रहा है इसमें तो कोई भी तो नहीं कर पा रहा है मैं ही जो मैं कर पा रहा हूँ इसमें कौन, इसमें कौन बड़ी बात है फिर से तीर चलाया फिर सटीक निशाना फिर ताली बजी फिर पीछे से आवाज आई इसमें कौन बड़ी बात है अभ्यास का मामला है तीन चार बार हर बार वो कहता था इसमें कौन बड़ी बात है अभ्यास का मामला है जब पूरी तरह प्रदर्शन खत्म हुआ उसका तीर चलाना काम खत्म हुआ वापस देखा पीछे आया देखा तुम ही हो जो बोल रहे थे बार बार इसमें कौन बड़ी बात है हाँ मैं ही बोल रहा था अच्छा आप चला के दिखाओ नहीं मैं इतनी चला सकता फिर क्यों बोल रहे थे मैं सही तो कह रहा हूँ अरे ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं उसने कहा अच्छा ठीक है मेरा कुछ देखोगे क्या हाँ हाँ दिखाओ जरा क्या करते हो वो आदमी तेली था तेल का, का काम करता था तो उसके पास में तेल के बड़े बड़े केन आते थे ऐसे बड़े डिब्बे आते थे केन आता था उसका गैलन और उसमें तेल होता था और फिर क्या करता छोटे छोटे बोतल होते ना शीशे के बोतल तो तेल को डिब्बे को ऊपर उठाता और वहाँ से धार गिराता और उन बोतलों में वो तेल भरा करता था ऐसी पतली धार नीचे आ जाती थी और बोतल को भरते एक दो तीन चार दस बीस सारे बोतल भरे एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा और तीर चलाने वाला भी तो बात तो सही है फिर उसने क्या कहा क्या कहा अच्छा आप भरिए आप भी ऐसे केन उठा करके भरिए कहे मैं तो नहीं कर सकता हूँ कहा बस वही तो मैं कह रहा हूँ आपने तीर चलाने का अभ्यास किया इसलिए तीर चला पाए और मैंने तेल भरने का अभ्यास किया इसलिए मैं तेल भर रहा हूँ ये हुई कहानी संदेश क्या है आप किसका अभ्यास कर रहे हैं आपको क्रो आपके क्रोध के आने में कितना वक्त लगता है बेसब्री होने बेशब्र होने में कितना वक्त लगता है निराश होने में आप कितना समय लगाते हैं और किसी को क्षमा करने में आप कितना समय लगाते हैं मतलब यह है जितना जल्दी आप किसी काम को कर पाते हैं वही आप अभ्यास कर रहे हैं और जिसे आप देर में कर पाते नहीं कर पाते उसका आप अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्या आप धैर्य का अभ्यास कर रहे हैं सहनशीलता का अभ्यास कर रहे हैं अक्रोध का अभ्यास कर रहे हैं मौन का अभ्यास कर रहे हैं कभी आपने कहते शांति शांत कभी आप शांत होकर के बैठे हैं कि बस कभी मन को कहा है कि मेरा मन शांत मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे शांत रहना है कभी अभ्यास किया है अभ्यास किया ही नहीं गया किसका अभ्यास करते है? हम तो कोई भी घटना घटी उद्वेगित क्रोध करने का अभ्यास ज्यादा है झुंझुलाने का अभ्यास है मुंह फुलाने का भी है कभी भी पूछता हूं मैं आप सुबह से शाम तक के ज्यादा समय मुंह फुला के रहते हैं कि मुस्कुरा के रहते हैं जरा बताओ <laughs> मुंह फुला करके क्यों आदत है वो अभ्यास कर बैठे हैं आप किसी बात को किसी में थोड़ी थोड़ी बातों में झुंझलाना थोड़ी थोड़ी वो तेज किसी की बात सुन ली उसने मुझे वैसा कहा उफ इतनी असहनशीलता कहेंगे ना कहने दो क्या उसमें लगता है आपको कोई बात नहीं है गाने दो मुझे सहना है किसी ने गाली दी बस खाट से गाली आपको पहले ही आप अकेले में अपने आप को तैयार कर लीजिए क्या कोई गाली दे तो मुझे गाली का उत्तर गाली नहीं देना है क्यों गाली देने वाला आदमी ना समझ है उनके पास बुद्धि इतनी है लेकिन मैं तो समझदार हूं क्या मैं भी उसी के स्तर पर आ जाऊं क्या मैं अपने लेवल को इतना गिरा दूं कि मैं भी मेरे मुंह से गाली निकले मेरे पास एक शब्द है हिंदी का ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित है एक लाख पैंतालीस हजार शब्द हैं उसमें एक लाख पैंतालीस हजार से भी ज़्यादा उसमें से गाली एक दो शब्द हैं सारे शब्दों को छोड़ करके आपने गाली का चुनाव किया सोच रहे हैं उसकी स्तर कितना कम होगा उसको और क्या मैं भी उसी स्तर पर आ जाऊं कि मेरे मुंह से भी गाली निकले आप अपने स्तर को इतना नीचे मत गिराइए क्योंकि आप कुछ अलग हैं अपना लेवल मेंटेन करिए अपना एक स्टेटस है क्या मैं गाली दू नहीं कब होगा आप अकेले में अभ्यास किए रहेंगे कबीर साहब ने कहा भी है आवत गारी एक है उल्टत हो या अनेक कहा कबीर ना उलटिए वही एक किए गाली आती है तो एक ही तो आती है उलट दिए बस अनेक फिर वहाँ से फिर यहाँ से फिर वहाँ से फिर वहाँ कहाँ रुकोगे आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ठहर जाओ रुक जाओ मेरा स्तर नहीं है कि मैं आंख के बदले आंख लूँ वो गलत कर सकता है मैं नहीं कबीर साहब की ये पंक्ति है वो तो वैसा ही हुआ तू मती हो हु आयान वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत ए कही में शान वो तो वैसे ही हुआ तू मत हो तू अज्ञानी मत बन वो निर्गुणिया वो तो निर्गुणी तय गुणवंता कभी की पंक्ति सुनो तो जरा ऐसा लगता जैसे आज लिखी जा रही है फिर से दोहरा रहा हूं वो निर्गुणिया तय गुणवंता वो तो वैसा ही वो तो वैसे ही हो गया वो तो ना समझ है अकल ही नहीं है कभी सत्संग गया ही नहीं कभी संतोष संपर्क में आया ही नहीं है वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान तू अज्ञानी मत बन वो निर्गुणिया तय गुणमत्ता मत एक ही में शान तू उसी समान मत बन जा शान मत उसमें अलग अपना लेबल मेंटेन करो आपका लेब आपको लोग सम्मानित मानते हैं आप एक अच्छे घर के घर से आते हैं एक अच्छे परिवार से आपका संबंध है आपके मुंह से गाली निकले मुझे कहना मुझे गाल, मैं गाली निकाल देखो कब होगा आप कभी ऐसा अभ्यास करना हो तो कोई आदमी गाली दे रहा हो उसके बावजूद आप शांत या मीठे शब्द में अभ्यास अभ्यास। किसका अभ्यास? किसका गाली न देने का मीठा बोलने का शांत रहने का मीठा कड़ू कटु शब्द बोलने आदत होती है कुछ लोगों की ऐसा ऐसा लगता है जैसे मुंह से कोई जहर ही निकाल रहे हो पसंद नहीं आता है अब कभी कभी ऐसा भी लगता है नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कोई बात नहीं आप सोच लो इस चीज को एक निर्णय लो मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है बार बार मन में उसको रिपीट करो दोहराओ तो क्या होगा आप बनते चले जाएंगे बनते चले जाएंगे भीतर में अभ्यास नहीं करेंगे तो खट एक पंक्ति आती आप है आप लोग कहते हैं हम सभी कहते हैं जैसे को तैसा कहते हैं ना टिट फायर टैट टिट फायर टैट मतलब जैसे को तैसा आज से इस पंक्ति को बदल दो क्या कहना है जैसे को वैसा क्या कहना है जैसे को वैसा वैसा का मतलब वैसा का मतलब है जैसा मैं अपने लिए सोचा हूं वैसा इस परिस्थिति में मैं ऐसा करूंगा ऐसा मैंने सोचा है तो क्या कहना जैसे उसने वैसा किया लेकिन मैं वैसा करूंगा जैसा मैंने अपने लिए निर्णय लिया है गाली कुत्तर गाली नहीं देने का निर्णय मैंने लिया है तो मैं क्या करूँगा जैसे को वैसा वैसे ही काम करूंगा ना कोई मेरा कोई ठगे नुकसान करे लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसे को वैसा आप देखिए जीवन देखो गाली कुत्तर गाली देना बड़ा सरल है लेकिन जीवन उससे नहीं बनेगा जीवन बनेगा मीठे शब्द में उत्तर देने से आपकी क्वालिटी उसी से बढ़ेगी आपकी इसलिए आप ये ध्यान रख दीजिए इस चीज को मुझे ये क्या करना है गालिक उत्तर के जैसे को वैसा मुझे ऐसा उत्तर नहीं देना है कहा जाता है रविंद्रनाथ टाइगोर अब वो तो बहुत बड़े पुरुष थे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की आलोचना भी बहुत होती है कहते हैं ना जिस पेड़ में अधिक फल लगे होते हैं वहीं पर पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं जिस पेड़ में जितने ज़्यादा फल लगते हैं पत्थर वहीं ज़्यादा मारे जाते हैं और जिसमें देखते हैं कि इसमें कुछ है तो आलोचना उसी खोती है अच्छा सामान्य समान निरूख आलोचना कर दी कौन सुनने वाला है अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है राम ने रावण को मारा ना तब समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो गई है सही है कि नहीं और छोटे खरदूसन वगैरह मार दी कोई पता चला था उसको रावण जैसे जिससे तिख कॉँपते थे लोग उसको उन्होंने मारा और उसने भी सोचा राम से लड़ाई हुई जीवन भर बेचारा सब लोग याद करते हैं रावण की किससे लड़ गया राम से लड़ गया मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लोगों की बड़ी आलोचना होती है बड़े लोगों की बहुत आलोचना होती है जितनी मात्रा में प्रशंसा उतनी मात्रा में आलोचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी आलोचना होती थी उनके साथी लोग कहा करते थे एक बार बहुत बहुत हो गया बस गले से ऊपर आ गए कुछ तो जवाब देना पड़ेगा आपको उसने कहा तो क्या मैं जवाब देने के लिए उनके स्तर से उसने के स्तर में आ जाऊं? क्या मैं अपने स्तर को वहाँ तक ले जाऊं? तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा नित कैसे दे सकता हूँ नहीं मुझे नहीं करना है गुरुदेव जी ने एक बात कही थी ख्याल आ गया प्रसंग आया इसलिए आप लोग नाम पढ़े लिखे लोग जानते हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीर पर थीसिस भी लिखी उसने और बहुत प्रसिद्ध पीएचडी उनसे उनको कबीर पर थीसिस जो लिखी है वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है विद्वान जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी ये जो बनारस के काशी विश्वविद्यालय ना वहाँ के वो प्रोफेसर थे हिंदी विभाग अध्यक्ष थे एक बार मदन मोहन मालवी से रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मालवी एक हिंदी के अच्छे टीचर भेज दो यहाँ पर शांति निकेतन में पढ़ाने के लिए ठीक है गुरुदेव भेज देता हूँ और किसको चुनाव किया हजारी प्रसाद द्विवेदी को वे गए और गुरुदेव जी से हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलना हुआ है वार्ता हुई आपस प्रत्यक्ष रूप से ये विषय पर नहीं हुई है लेकिन गुरुदेव जी पढ़े कहें इस विषय को तो उन्होंने भेज दिया रविंद्र किसको हजारी प्रसाद द्विवेदी को गए तो अब द्विवेदी जी भी एक प्रतिष्ठित विद्वान पुरुष थे तो हिंदी भाग थे अब जब हिंदी भाग से वो वहाँ चले गए तो आपस में सब लोग जो और भी हिंदी के बहुत सारे जो प्रोफेसर थे टीचर्स थे वो सोचने लगे बस अब हल्का महसूस किए मैं बन जाऊंगा मैं उपाध्यक्ष मैं उपहध्यक्ष अब उनकी उल्लाचना बुरा बुराई होने लग गई अब साल भर उनको वहां रहना था फिर ये सारी चीज़ें सब लोग अपना खिचड़ी पका रहे थे कि मैं हूं मैं हूँ क्या, क्या लोगों को पता नहीं था साल कितने साल रहे उसके पश्चात फिर से वापस आ गए अब फिर से जब वापस आ गए जितने लोग थे उनके क्या होने वाला है बड़, बड़े बड़े सपने देखे थे ना फिर रहने लग गए अब बस भीतर भीतर बुराई बुराई करने लग गए वैसे ही उनके साथियों ने कहा ये लोग स्टाफ रूम में बैठ करके हमेशा आपकी निंदा बोला करते हैं आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा हजार बेदी ने जो बात कही वो बड़े काम की है मैं भी वैसा कर सकता हूं लेकिन मैं रविंद्रनाथ टैगोर के संसर्ग में रह करके आया हूं उनके संपर्क में रह करके आया हूं और मैं अब एक मिनट हो गई बातें ठीक है, है भैया धीरे से समाधान कर लो तो हुआ क्या कि अच्छा ठीक है वो लोग कर लेंगे कुछ लोग हैं तो उन्होंने कहा कि मैं वे लोग कभी उनके संपर्क में नहीं आए हैं इसलिए ऐसी गलती कर सकते हैं लेकिन मैं उनके साथ रह के आया हूँ मैं उनके साथ रहने के बाद ऐसी गलती नहीं कर सकता आप बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं अच्छे आपकी मित्र मंडली है अच्छे संतों से संपर्क है और आपके जीवन में ऐसा हो नहीं मुझे बदलना है और जैसे बदलते हैं जीवन अप होने लग जाता है मैंने कहा अभ्यास अकेले बैठो और अकेले में अभ्यास करो शांत रहने का मौन रहने का मीठा बोलने का धैर्य रखने का अक्रोधी होने का शांत बस अभी जैसे एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूं। जैसे मैं रेलवे स्टेशन गया लखनऊ गया जैसे लखनऊ गया स्टेशन में मेरा टिकट है ट्रेन है और जैसे गया लखनऊ में और क्या पता चला दो घंटे लेट जिस ट्रेन में, में मेरा रिजर्वेशन है क्या कहते हैं वहाँ सूचना क्या आ रही है दो घंटे लेट अब मेरा मन बड़बड़ा रहा है ये जो ट्रेन वाले हैं ना ये किसी के समय की कीमत ही नहीं समझते जब देखो तब ट्रेन लेट कर देते हैं अब बस मन बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है ये सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं वो हैं ये हैं देखो तो सही कहो क्यों समय से ट्रेन को नहीं चलाते हैं सब काम चोर हैं ये हैं घुसखोर हैं अब बस बड़बड़ा रहा है मन ऐसा करते करते पूरे रेलवे विभाग और मिनिस्ट्री को गाली देने लग गया भीतर भीतर में और यहाँ तक के पूरे पीएम तक के चला गया वो बड़बड़ा रहा है अंदर अंदर उद्वेगी है ट्रेन लेट है वो है क्या इस प्रकार बड़बड़ाने से अंदर अंदर उद्वेगी सुने ट्रेन जल्दी आएगी नहीं दो एक घंटा लेट तो लेट है वो एक तरीका दूसरा तरीका क्या है मैंने सोचा जैसे सुना दो घंटे लेट ऐसा दो घंटे लेट है तो मैं क्या करता हूँ क्या करूँ कि देखूंगा कहीं बैठने की जगह है क्या हाँ बैठने की जगह गया बैठ गया अपनी झोली से पुस्तक निकाला पढ़ने लग गया अच्छा नहीं तो आजकल तो मोबाइल है सुंदर संगीत सुनने लग गया भजन या फिर प्रवचन सुनने लग गया अन्यथा आंखें बंद करके चुप शान प्रतीक्षा कर रहा ठीक है आने दो जब आएगा तब चलूंगा दो घंटे इंतजार किया ट्रेन तब भी दो घंटे लेट थी पहले भी दो घंटा लेट थी कौन वाला अच्छा रहेगा पहले वाला बाद वाला बाद वाला लेकिन ये कब कर पाएंगे ऐसे नहीं कर पाएंगे जब अभ्यास किए रहेंगे समझ रहे ना अभ्यास अकेले में बैठकर इस परिस्थिति में मुझे शांत रहना है उद्वेगित नहीं होना है उबलना नहीं है तो काम बन जाएगा ये और ये आपके पूरे व्यक्तित्व को पूरा मतलब मैंने कहा ना पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आपको आप बाहर से नहीं बदल रहे हैं फिर भीतर से बदल रहे हैं और वो बदलाव वही स्थाई है क्योंकि आप वह आदमी नहीं रह गए पहले वाले फिर अब आप एक अलग इंसान बन गए क्योंकि आपने भीतर बदल लिया है अपने आप को तो मैं कह रहा था आपको जैसा चाहिए जीवन वह जीवन आप अकेले में निर्मित करें निर्मित करें उस क्वालिटी को आप वहाँ पर बनाएं तो जीवन सुखमय होगा ये कुछ बातें थी आज के लिए जो मैंने कही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से इन विचारों को सुने साहेब बंदगी साहेब बोलिए सदगुरुदेव की, की जय अभी हम पूज्य साहिब जी से